नमस्कार जैन साथियों, मैं राहुल और आप देख रहे हैं राहुल कुमार आर स्टडी सेंटर। स्वागत है आपका अपना ही परिवार और आपका अपना पसंदीदा चैनल राहुल कुमार आर स्टडी सेंटर में। दोस्त, मेरे पास मैसेज और मतलब कमेंट आया था कि सर टेक्नीशियन का थोड़ा सा ग्रेड वन और ग्रेड थर्ड दोनों को सिलेबस के बारे में बता दीजिए। देख लीजिए मेरे भाई, इससे पहले रेलवे का एग्ज़ाम हुआ था उसका सिलेबस और इस बार के सिलेबस में बदलाव कर दिया गया है मेरे भाई। देखिए सबसे पहले आइए क्या बदलाव किया गया है सो हम आपको बताते हैं। पहले का जो एग्ज़ाम हुआ करता था, तब पहले के एग्ज़ाम हुआ करता था मेरे भाई टेक्नीशियन का प्री का एग्ज़ाम मेरे भाई सब के लिए मेरे भाई क्वालिफाइंग नेचर का होता था और प्री का केवल एक एग्ज़ाम होता था, ठीक है ना। जो बच्चे प्री पास करके मेंस में जाते थे, देखिए मेंस के लिए मेरे भाई जब यहाँ एग्जाम होता था तो मेंस को दो पार्ट में डिवाइड हो जाता था। अब बोलिए कि सर प्री या मेंस क्या है, पेपर वन क्वालिफाई करके पेपर दो में आते थे, आपको इसमें कितना नंबर है प्री में, आप अगर 100 में 100 भी लाए हैं तो भी आपको कोई लेना देना नहीं है, जितना नंबर कट ऑफ गया है केवल पास करेगा लोग। देखिए मेंस में यहाँ पे दो पेपर हुआ करते थे मेरे भाई, एक पेपर यहाँ पे जनरल मैथ्स का होता था, ठीक है ना, रीजनिंग का होता था और मेरे भाई जीके जीएस का और साइंस का होता था। और दूसरा मेरे भाई जो जिसका ट्रेड रहता था ना उसका क्या होता था, एक ट्रेड का रहता था। ट्रेड में यहाँ केवल पास करना होता था, मेरिट जो बनता था मेरे भाई वो मैथ्स रीजनिंग वाले पार्ट पे ही बनता था, ठीक है ना। ये हम जो बता रहे हैं ये पहले का मेरे भाई बता रहे हैं सिलेबस, ना कि इस बार का सिलेबस, ये ओल्ड सिलेबस है। इस बार देखिए टेक्नीशियन के अंदर जो बदलाव किया गया है वो मेरे भाई यही बदलाव किया गया है कि इस बार जो है ना आपको दो एग्ज़ाम नहीं लेकर केवल और केवल एक एग्ज़ाम लिया जाएगा, ठीक है ना, और एक एग्ज़ाम में ही आपको मेरे भाई नौकरी दे दिया जाएगा। तो कट ऑफ तो जाहिर से बात है कि हाई जाएगा मेरे भाई, ठीक है ना। तो कट ऑफ जो हाई जाएगा तो आपको तैयारी भी आपको अपने लेवल से करना पड़ेगा। जैसे टेक्नीशियन ग्रेड वन के लिए देखिए मेरे भाई क्या किया गया है, देखिए जीके है, जीके का 10 क्वेश्चन रहेगा, 10 नंबर के रहेगा। रीजनिंग 15 है, ठीक है ना, 15 क्वेश्चन रहेगा, 15 नंबर के रहेगा। कंप्यूटर का यहाँ अहम रोल दे दिया गया है मेरे भाई ग्रेड वन में, टेक्नीशियन ग्रेड में वन में कंप्यूटर के लिए 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स का, मैथ्स मेरे भाई 20 क्वेश्चन और 20 मार्क्स का, बेसिक साइंस जो है 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स का, ठीक है ना, 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स। देखिए 100 क्वेश्चन और 100 नंबर का रहेगा। तो ये ध्यान में रखिएगा कि आपको इसमें निगेटिव भी जो मेरे भाई जनरल कंपटीशन में कटता है वो आपको कटते जाएगा। फिर से देख लीजिए, जीके का 10 क्वेश्चन 10 नंबर, रीजनिंग 15 क्वेश्चन 15 नंबर, कंप्यूटर 20 क्वेश्चन 20 नंबर, मैथ्स 20 क्वेश्चन 20 नंबर और साइंस मेरे भाई 35 क्वेश्चन और 35 नंबर। अब देखिए अहम जो पार्ट है टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के लिए है, इसमें देखिए मेरे भाई मैथ्स का वेटेड है 25 क्वेश्चन का और 25 नंबर का, रीजनिंग 25 क्वेश्चन का 25 नंबर का, साइंस 40 क्वेश्चन का और 40 नंबर का, और जीके मेरे भाई 10 क्वेश्चन है 10 नंबर। टोटल जोड़िएगा तो यहाँ पे 100 नंबर हो जाएगा और 100 क्वेश्चन हो जाएगा और इसी पे आपकी मेरिट लगने वाली है। तो ये रहा मेरे भाई क्या टेक्नीशियन के लिए ग्रेड वन के लिए और ग्रेड थर्ड के लिए मेरे भाई क्या रहा सिलेबस रहा। हम आपके लिए क्या कर रहे हैं, जो ये कहकर किताब बेच रहा है, जो ये कहकर क्रैश कोर्स करके बेच रहा है कि देखो यही 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 वाला पार्ट है ना कि ई वाला पे, हम ई वाले लोग हैं ना जो क्या कह रहा है कि बुक बेच रहा है, कह रहा है कि हम पूरा सिलेक्शन की गारंटी लेते हैं, फलना फलना ढिमका ढिमका, ये गलत चीज़ें हैं सर, ऐसा ना कीजिए, आपके 20 नंबर या 40 नंबर से कुछ होने जाने वाले बच्चों लोगों को नहीं है सिलेक्शन। देखो मेरे भाई याद रखना एक लाइन मेरा गहरी बातें हैं, सिलेक्शन आप चाहोगे तभी आपका होगा। कोई भी टीचर, यहाँ तक कि हम भी बोल रहे हैं, हम आपको कहाँ से, मेरी क्या ही औकात है यार जो हम आपको सिलेक्शन दिलवा सकते हैं यार, नहीं, जब आप चाहोगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो इसमें देखो मेरे भाई 25 में 25 मैथ लाने की जिम्मेवारी आपकी है, मदद करने के लिए, सहायता करने के लिए, गाइडेंस के लिए हम हैं। बस कल नहीं परसों से मैथ्स का बैच हम लेके आ रहे हैं, फ्री में लेकर आ रहे हैं इसी यूट्यूब चैनल पर, टाइम टेबल कल शाम को डिसाइड हो जाएगी, ठीक है ना। देखो 25 में 25 रीजनिंग लाने की जिम्मेवारी आपकी है और उसमें हम सहायता करेंगे, हम आपको पढ़ाने के लिए तैयार है। तो 25 25 50 नंबर, 50/50 आप ला सकते हैं, जैसे हमारे सीजीएल वाले लोग लाए हैं ना 50 में 50 मैथ, सीएचएसएल वाले 50 में 50 मैथ, आप भी रीजनिंग और मैथ्स ला के 50 में 50 ला सकते हैं। बेसिक साइंस और जीके को आपको अपने से खुद से रिविजन करना पड़ेगा सिलेबस के अकॉर्डिंग। अब इसमें भी साइंस का चैप्टर दिया गया है, साइंस को आप जाइएगा तब जाके आप अहम तरीके से सक्सेस हो पाइएगा, एक एग्जाम नौकरी पाइए, अच्छा लेवल का नौकरी है, ठीक है ना। इसीलिए बोल रहे हैं ना कि 50 में 50 मैथ रीजनिंग में आ गया ना, अगर आप यहां से 50 में से 20-22 भी नंबर ला दीजिएगा ना, आप सिलेक्शन के करीब चले जाइएगा। तो याद रखिएगा मेरे भाई कि केवल ये बोल के जो बुक बेच रहे हैं उनकी बुक बकैती से कुछ नहीं रखा है, सिलेक्शन आपके हाथों में है, करना क्या है, ठीक है ना। चलिए विदा लेते हैं, मेरा नाम राहुल और आप देख रहे हैं राहुल कुमार आर स्टडी सेंटर को। अच्छा लगेगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बोल दिए हैं आज,
और एक बार शेयर भी लगा दीजिएगा। मिलते हैं 7:35 प्रोबेबिलिटी के क्लास में। जय हिंद, जय भारत, लव यू, बाय बाय, टेक केयर।